दोस्तों यहाँ वार्ड 2 पर काम जो कि कुछ ज़्यादा तेजी से चलता हुआ दिख रहा है। जैसे यहाँ जाने को मिल रहा है कि यहाँ ज़्यादा वेट नहीं करना होगा फिल्म वार्ड 2 के लिए, क्योंकि यह फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट करने की प्लानिंग चल रही है 2023 नवंबर में ही। जैसे जैक्टर पिछले वक्त फिल्म वार्ड 2 को लेकर कुछ ज़्यादा ही बड़ी अपडेट्स आ गई और यहाँ इस फिल्म में जूनियर NTR का जुड़ना जो कि सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला रहा। लेकिन जैसे कि इसके साथ ही कहा गया कि यहाँ फिल्म की शूटिंग जो कि 2024 के शुरुआती महीने यानी क्या जनवरी में हो सकती है। लेकिन जैसे कि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स में जाने को मिल रहा है कि 2023 नवंबर से ही यहाँ पर ऋतिक और जूनियर NTR जो कि स्टार्ट करने जा रहे हैं फिल्म वार 2, और यहाँ पर तो स्टार्ट हो गया है फिल्म का प्री प्रोडक्शन भी। जस्ट या मेकर्स जो कि कुछ ज़्यादा तेज़ी में दिख रहा है और यहाँ पर काफ़ी फास्ट काम हो रहा है वार 2 पर, और जिसे क्या देख भी लग रहा है कि स्पाय यूनिवर्स जो कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ बैक टू बैक इस यूनिवर्स की फिल्में आ रही है और लगभग हर साल यशराज स्पाय यूनिवर्स से कुछ बड़ी फिल्में आने जा रही है, और यह उम्मीद लगाई जा रही है कि वार 2 हमें देखने को मिल जाएगी 2024 में ही। जस्ट यहाँ अगले साल आ सकती है वार 2, क्योंकि यह फिल्म की शूटिंग जो कि इसी साल नवंबर से स्टार्ट हो सकती है, और जैसे कि इसके लिए लगभग प्लानिंग भी पूरी कर ली गई है। इसमें कहा जाए तो यहाँ ऋतिक रोशन जो कि अपनी फिल्म फाइटर की शूटिंग को कंप्लीट करने के साथ ही वार 2 की शूटिंग में लग जाएंगे, और वहीं दूसरी तरफ NTR 30 के साथ ही यहाँ पर जूनियर NTR जो कि अपनी वार 2 में लग जाएंगे। तो जहाँ की तरफ 2023 में हमने यशराज स्पाय यूनिवर्स से फिल्म पठान को देखा, और उसके बाद हम देखने जा रहे हैं फिल्म टाइगर 3 को दिवाली के मौके पर, और यहाँ इसी के साथ स्टार्ट हो जाएगी फिल्म वार 2 जो कि हमें देखने को मिल सकती है 2024 में ही। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।